Now we will see trigonometric ratio of angle 0 and 90. ठीक है, देखो ये कैसे करेंगे. थोड़ा सा ये ट्रिकी है, समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, बट ध्यान से समझना. ओके, वीडियो स्किप मत करना. ठीक है, ओके. इसके लिए हम एक ट्राइंगल कंसिडर करेंगे. ठीक है, ये हो गया आपका बी ए बी सी. ओके, बी 90 है. ठीक है, 0 एंड 90 हम यहाँ पे ए एंगल को कंसिडर करके चलेंगे. ठीक है, 0 डिग्री लेते हैं सबसे पहले. सब 0 के लिए क्या होगा, सारा एंगल्स. ठीक है, तो ये एंगल 0 कब होगा ये बताओ, जब ये ए सी जो है, ए सी एंगल ए ले रहे हैं ना, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. ठीक है, अब ये एंगल ए जो है वो 0 कब होगा ये बताओ, जब ए सी लाइन नीचे की तरफ आएगी. देखो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है ये, इसको देखिए. तो क्या होगा, ए सी लाइन जो है यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, सी पॉइंट है. एक टाइम ऐसा आएगा ये इसके साथ मिल जाएगी. ठीक है, कुछ इस तरीके से फिगर बनेगी. इस तरीके से ही इसको ओवरलैप करा देते हैं, ये सी. तो यहां देखो एंगल ए कितना हो गया, 0 हो गया. जब सी और बी ओवरलैप कर जाएगी तो एंगल ए इक्वल टू 0 व्हेन सी ओवरलैप बी. देखो ऐसे करके एंगल है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके एंगल है. देखो मैं समझा देता हूँ, इस तरीके से एंगल बना हुआ है ए आपका, ये एंगल. ठीक है, ये एंगल बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है. तो ये 0 कब होगा, जब ये वाला पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा. ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे आ गया 0, तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, 0 हो गया, और ये पॉइंट इसके ऊपर हो गया. अब एक बात बताओ, इस कंडीशन पे ए सी जो है, ये जो ब्लैक वाला मार्कर, ये ए सी हो गया ऐसे करके ओवरलैप कर रहा है. ठीक है, ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के. ए बी हो गया, ए सी हो गया, ऐसे ओवरलैप करते 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 इसके ऊपर आ गया, एंगल 0 हो गया. लेकिन ए सी किसके इक्वल हो गया, ए बी के. एंड ए सी इक्वल टू ए बी 0 डिग्री के लिए. ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, इसको देखिए एक बार. नाउ यू फाइंड साइन थीटा क्या होगा. यहां से देखो साइन ए मान बताओ क्या होगा, क्या होगा साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये थीटा हो गया मान लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, हाइपोटेन्यूज ए सी. ठीक है, अब देखो 0 एंगल क्या ले रहे हैं हम, 0, तो साइन 0 कर दो यहाँ पे. अब बी सी, ठीक है, बी सी जो है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, जब सी पॉइंट बी पे आ गया तो बी सी की लेंथ तो 0 हो गई ना, मतलब क्या हुआ, बी सी क्या हो गया, 0. ठीक है, 0 हो जाएगा, 0. ठीक है, अपॉन ए सी, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी ए बी के इक्वल हो गया. ठीक है, तो 0 पॉइंट समथिंग इज 0, तो साइन 0 कितना हो गया, 0. साइन 0 डिग्री कितना आ गया, 0. बात समझ में आई. ठीक है, एक बार रिवाइंड कर लो, फिर से एक बार देख लो इसको. नाउ यू सी सिमिलरली, अगर मैं 0 की बात कर रहा हूँ तो 0 अपॉन 1 है ना, तो कॉसेक 0 कितना आ जाएगा, ये 1/0 हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाता है ना, 1/0. और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी इसको ऐसे लिखते हैं. ठीक है, नॉट डिफाइंड. ओके, नाउ यू सी कॉस 0, कॉस ये क्या होगा पहले ये बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन ए सी. ओके,
कॉस जीरो के केस में ए बी क्या बन गया? ए बी तुम्हारा ए बी ही रहेगा, ए सी क्या बन गया? ए सी ए बी के इक्वल हो गया, ए सी ए बी के इक्वल हो गया ना, तो ये दोनों कट गए, तो कॉस जीरो कितना आ गया? वन, मतलब वन अपॉन वन, ये वन अपॉन वन है तो वन आएगा, ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली नहीं, तो कॉस जीरो निकाल दिया तो सेक जीरो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, तो वन अपॉन वन रेसिप्रोकल करोगे तो वन ही आएगा, तो ये आपकी सेक जीरो की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब देखो देखो टेन कोसेक जीरो मैंने बता दिया, कॉस जीरो बता दिया, सेक जीरो बता दिया, और टेन जीरो देखो कैसे निकालेंगे। आपको एक मैंने फंडा नहीं बताया था, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो। अगर साइन थीटा अगर मैं लिखूं, फंडा समझ लो, क्या होता है? पी अपॉन एच, और कॉस थीटा लिखूं तो क्या होता है? बी अपॉन एच। अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच, यही तो होगा। देखो एच से एच कट गया, क्या बचा? पी अपॉन बी, और पी अपॉन बी क्या होता है? टेन, क्या होता है? टेन। तो यहां से हमने क्या देखा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा। तो यहाँ फॉर्मूला लिख लो, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा क्या हो जाएगा? टेन का उल्टा, ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आप प्रूव कर सकते हो, कॉस ऊपर लेना, साइन नीचे ले लेना, ठीक है, क्लियर। अब हम फाइंड करते हैं टेन जीरो और कॉट जीरो। टेन जीरो की बात करें अगर, तो टेन जीरो क्या होगा? साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, साइन जीरो कितना आया? जीरो, तो ये जीरो, और कॉस जीरो कितना आया? वन, तो ये वन, तो जीरो वन वन जीरो, तो टेन जीरो कितना हो गया? जीरो। ओके, कॉट जीरो क्या हो जाएगा? कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो, इसका भी रिवर्स कर दो, वो भी सही है, कॉस जीरो कितना आया? वन, साइन जीरो कितना आया? जीरो, तो वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, कॉट जीरो नॉट डिफाइंड, या फिर इसको कह दो इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है, ये लेटा हुआ एट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, आराम करता हुआ एट, नोट डाउन। ओके, नाउ वी विल सी 90 डिग्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर 90 डिग्री एंगल, सारी वैल्यूज 90 डिग्री में क्या होंगी? देखो इसके लिए भी एक ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल ले लो इस तरीके से, ए बी सी, ठीक है, सही लग रहा है ट्राइंगल? नहीं लग रहा सही, इधर थोड़ा बढ़ा दो, अब सही है, सी, ठीक है, एंगल ए लेंगे हम, 90 का कंसीडर करेंगे। तो देखो अभी क्या करेंगे हम, एंगल ए को 90 बनाना है, तो अगर इसको नीचे झुकाओगे तो ये जीरो बन जाएगा, अगर मैं इस लाइन को, इसको, इस वाली को पीछे ले जाऊं ऐसे करके, देखो ये एंगल ए हो गया, ये ए सी हो गया, ये ए बी हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको रेड वाले को ऐसे ले जा रहा हूं, ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऐसे था पहले, ऐसे 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 कर दिया, तो देखो एंगल कितना बन गया, ये एंगल कितना बन गया? 90 बन गया। तो मैं ए सी को ए बी बी की तरफ लेके जाऊंगा, पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ
यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, फिगर बना देते हैं, इस तरीके से बनेगी कुछ। ये तुम्हारा एसी हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पे ये एंगल कितना बन जाएगा, 90। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, इसको देखिए। नाउ यू सी व्हेन एंगल ए इज 90, जब एंगल ए 90 हो जाएगा तब ए ओवरलैप करेगा किसके ऊपर, बी के ऊपर। वेरी गुड, ओके। तो यहां पे ए बी जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा, ए बी पे आ गया तो ए बी जीरो हो गया ना, ए बी तो जीरो हो गया ना, और ए सी जो है वो ए बी बी सी के इक्वल हो जाएगा, ए सी बी सी के इक्वल हो गया, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। क्लियर? अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, साइन 90। पहले बताओ साइन थीटा कितना होगा इस एंगल में, साइन ए, सॉरी ए ले रहे हैं ना, पी अपॉन एच। ठीक है, तो ए के केस में पी ए हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है, अब देखो एंगल क्या है, 90। अब 90 जब हमने एंगल लिया तो बी सी क्या हो गया, बी सी किसके इक्वल हो गया, बी सी, बी सी किसके इक्वल हो गया, ए सी के। ये देखो, ठीक है, अब ए सी सेम लिख दो, यहाँ पर ए कट गया, क्या बचा, 1/1। तो साइन 90 कितना आ गया, 1। समझ आया? ठीक है, आप साइन 90 आ गया 1, तो कोसेक 90 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, इसका 1/1, इसका रिवर्स कर दो, कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा। वेरी गुड, ओके। अब कॉस 90 देखते हैं, कॉस 90 क्या होता है, पहले लिखो कॉस ए, क्या होता है, कॉस ए बी अपॉन एच। ठीक है, बी बेस क्या हो गया, ए के लिए ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी। अब कॉस 90 जब ले रहे हैं तो ए बी क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो अपॉन ए सी, दैट इज जीरो, कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो, मतलब 0/1। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखो, 0/1 जीरो हो गया ये। सेक 90 कितना हो जाएगा, 1/0, इसका उल्टा कर दो, 1/0 नॉट डिफाइंड, एन डी नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। नाउ यू सी 1090, 1090 इज साइन 90, ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1, कॉस 90 की वैल्यू कितनी है, 0, सो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी ये नॉट डिफाइंड, तो ये हो गया तुम्हारा नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। सिमिलरली कॉट 90 कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट कर दो, 1/0 है ना ये, तो इसका अपोजिट करोगे क्या आएगा, 0/1, 0/1 इज 0। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। ठीक है, नोट डाउन।